जनपद में ग्राम प्रधान एवं बीडीसी सदस्यों की खाली पदों पर 2 मार्च को चुनाव होगा, जिसमें प्रधान पद के लिए 5 और बीडीसी सदस्य पद के लिए 74 पदों पर चुनाव होना है। जिसके संबंध में जीपीआरओ हिमांशु शेखर ठाकुर ने बताया कि 20 फरवरी को नामांकन पूर्ण कर लिया गया और मंगलवार को नामांकन पत्रों की जाँच की गई है। 22 फरवरी से नाम वापस लिए जाएंगे और कार्य समाप्ति तक प्रतीक आवंटित किए जाएंगे और 2 मार्च को सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान होगा और 8 मार्च को कड़ी सुरक्षा के बीच मतगणना की जाएगी। उन्होंने कहा कि कौड़ीराम ब्लॉक में अनुसूचित जाति के लिए खजनी में अनारक्षित ग्राम पंचायत ठिकरिया नाथ सिंह, गोला ब्लॉक में अन्य पिछड़ा वर्ग महिला के लिए अनारक्षित छितौना, बुजुर्ग गांव पिपराइज में अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित गाँव जगदीशपुर ब्लॉक में अनारक्षित ग्राम पंचायत बसंतपुर में चुनाव होगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जीपीआरओ हिमांशु शेखर ठाकुर ने कहा, जैसा कि ज्ञात है कि अगर कुछ प्रधान के किसी प्रधान जी की अगर मृत्यु हो जाती है या किसी बीडीसी मेंबर्स या ग्राम पंचायत सदस्य की मृत्यु हो जाती है, किसी रेजिग्नेशन या किसी अन्य वजह से अगर वो सीट खाली हो जाती है, तो 6 महीने के अंदर उसका चुनाव कराना होता है। उसी के तहत निर्वाचन आयोग के द्वारा इसका चुनाव की प्रक्रिया आरम्भ की गई है। उसके तहत जो है नामांकन करने की तिथि जो है कल समाप्त हो गई है। उसके बाद आज जो नामांकन जिन लोगों ने किया है उनकी जांच जारी है और कल नामांकन लेने का, नाम वापस लेने का अंतिम दिन है। कल ही मतलब दिन है नामांकन, नाम वापस लेने का। उसके बाद सिंबल आवंटित करके 2 मार्च को चुनाव कराया जाएगा। उसके बाद उसकी गिनती होगी, उसमें जो भी विजयी होंगे उसका प्रोसेस पूरा किया जाएगा। ज़्यादातर ब्लॉकों में चुनाव है, मुझे लग रहा है जहाँ तक 20 में से 17 ब्लॉक में चुनाव है। कहीं ना कहीं किसी न कहीं किसी बीडीसी मेंबर के, कहीं राज ये ग्राम पंचायत सदस्य के, 5 जगह पे हमारे प्रधान जी के भी चुनाव है, पर 1 जगह प्रधान जी का चुनाव निर्विरोध हो गया कि वहाँ पर किसी और ने भी ये नहीं, कैसे भी एक ही व्यक्ति ने वहाँ पर नामांकन किया। कितने प्रधान और कितने सदस्य? कुल मिलाकर के 5 प्रधान जी थे और सदस्य लगभग 45 थे।